खबर के नाल दस दिए कि गोल्डी बराड अते बिश्नोई के खिलाफ UAP के तहत मामला दर्ज हो चुका। दोनों के खिलाफ दो होर मामले जिहड़े ने वह दर्ज हो चुके हैं। इस वक्त की वड्डी खबर है गोल्डी बराड अते बिश्नोई के खिलाफ, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज होया। बिश्नोई ते गोल्डी बराड विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के दोषी ने यह दोनों गैंगस्टर, तो इन दोनों के हुण खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। सो बिश्नोई ते गोल्डी बराड विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए हैं। तो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मुख दोषी ने यह दोनों गैंगस्टर, सो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से UAPA तहत मामला दर्ज किया। इसी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर अमित भारद्वाज मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी है जिस हिसाब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के ऊपर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ, और क्या जानकारी है? अमित, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? दस दिए कि मुड़ तो संपर्क साधन की कोशिश कर रहे कि साढ़े सहयोगी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन दस दिए जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड ते UAPA तहत मामला दर्ज किया गया। तो बिश्नोई ते गोल्डी बराड विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के यह दोनों जिहड़े गैंगस्टर ने वह दोषी ने। हालांकि इस लैके लगातार इन्वेस्टिगेशन भी चल रही ने, होर किहड़े किहड़े इस पूरे कतलकांड दे विच इनवॉल्व ने उसनू लैके भी परत दर परत हुण खुलदी हुई नजर आ रही है। हालांकि चार्जशीट भी बीते दिन पेश की गई सी, जिस दे विच काफ़ी गवाहों के जिहड़े बयान ने वह भी दर्ज किए गए सन, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड ते UAPA तहत मामला दर्ज किया गया। तो बिश्नोई ते गोल्डी बराड विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के ऊपर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के नामी गैंगस्टरों के खिलाफ UAPA के तहत जो है ये मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंक और अपराध का पर्याय बन चुके दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो नामी गैंगस्टर्स हैं, जिनके नाम से जो है बड़ी रंगदारी और लोगों को धमकियां देना और जो है वारदातें करना, कथ की वारदातें और भी बड़े सारे जो उनपे आरोप हैं उसको देखते हुए जो है ये UAPA के FIR दर्ज किए गए हैं। इसमें करीब दर्जन भर जो है गैंगस्टर हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं, बम्बिया नीरज के बम्बिया गैंग के लोग हैं, नीरज बबनिया गैंग के लोग हैं, इसमें दर्जन से ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक ये जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और नीरज बबनिया और बम्बिया गैंग के जो अलग अलग लोग हैं, जैसे लक्की पटियाल है, कुशल चौधरी है, इन सब के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया, क्योंकि लगातार अपराध जो है अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मन में कोई डर नहीं है। अभी गोल्डी बराड ने पंजाब के जो DGP हैं उनको धमकी दी और अन्य अधिकारियों को धमकी दी। कल ये मामला देखा गया कि SHO को बदलना पड़ा वहाँ मानसा में, जो इसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है और अब एक बड़ा एक्शन इनके खिलाफ होने वाला है, जो कि जो है बहुत जरूरी था इस समय पर। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जो वारदात हुई है उसको देखते हुए भी उसके बाद भी जो है वो लोगों से रंगदारी लेना, जैसे राजस्थान में भी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, जी मीडिया नेटवर्क ने बताया था कि लोग जो है बिजनेसमैन से रंगदारी लेने के लिए वहां पहुंचे थे, तो फिर उनके साथ जो है पुलिस का मुकाबला हुआ था जिसमें दो गैंगस्टर्स पकड़े भी गए थे और ये गैंगस्टर सभी इन्हीं गैंग के जो है वो इन्वॉल्व थे। तो अब इन पे UAPA लगाया गया है और अब जो है बड़ी कार्रवाई इन गैंगस्टर्स के खिलाफ होने वाली है, दर्जन भर ये गैंगस्टर्स हैं, जिससे कि ये आपराधिक घटनाएं जो है वो रोकने के लिए पुलिस ने स्टेप किया। जी,